बुलेटिन में बात अब करौली की। करौली के सपोटरा में बूकन गांव में पुजारी की हत्या के मामले में अभी तक परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार करने पर सहमत नहीं हुए हैं। ग्रामीण 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बूकना गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कहते हुए धरने पर बैठ गए। किरोड़ी मीणा ने कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने के बाद ही वे गाँव से जाएंगे। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, गंगापुर के पूर्व विधायक मान सिंह भी मौजूद हैं। बता दें 7 अक्टूबर को मंदिर भूमि विवाद में पुजारी बाबू वैष्णव को जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद जयपुर में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई थी। तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के बाद ही गांव से जाएंगे, यह कहना किरोड़ी लाल मीणा का। सपोटरा के बुकना गांव में पुजारी की हत्या का यह पूरा मामला। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ, रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डर गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार रुक गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गाँव वालों ने शुरुआत में जो मांग रखी है उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं और कितना भी यहाँ पर रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसे जघन्य अपराध में न्याय दिला के ही हम रुकेंगे। चाहे पुलिस लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे गिरफ्तार करे, हम हटने वाले नहीं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे किरोड़ी लाल मीणा को। और आपको ये भी बताएं कि 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, जो यहाँ पर जाएगी और तमाम चीज़ों को देखेगी। देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत भी चरम पर है और कहीं ना कहीं जो हुआ है उसके बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर, साथ ही नियम कानून पर, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद सवालों के घेरे में जरूर तमाम चीज़ें। हालांकि बात ये भी एक सही है कि मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है और कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के होने के बाद और किस तरह की बातें सामने आती हैं, क्योंकि जिस तरह से परिजन अब मांग पर अड़े हुए हैं उसके बाद सरकार की तरफ से कोई एक्शन निश्चित है, क्योंकि परिजन जो अंत्येष्टि करने पर राजी नहीं हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, जबरदस्त भीड़ भी नजर आ रही है और ऐसे में साथ भी मिला है जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से। और देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ होता है। सरकारी नौकरी, सुरक्षा, आरोपियों की गिरफ्तारी, इन तमाम मांगों के साथ जो ग्रामीण हैं और जो परिजन हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के बाद ही यहां से जाएंगे। हालांकि उन्होंने 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी परिजनों को दी, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। और रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रवि, जो भी हुआ है सपोटरा में उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कानून व्यवस्था पर, नियम कानून पर, और ऐसे में अब परिजन भी शव के साथ अपनी मांगों को लेकर बैठ गए हैं। एक तरफ सांसद किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठेंगे नहीं, ऐसे में क्या कुछ मांगे और किस तरह का रवैया प्रशासन की तरफ से, क्या अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में रवि? जी, कसूर निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा। पुजारी को आग लगाकर जलाने के मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो राज्यसभा सांसद है, फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी ग्रामीणों के साथ चर्चा हुई है और ये मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि शीघ्र से शीघ्र बाकी जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी हो, इसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले और 50 लाख का मुआवजा मिलने के अलावा सपोटरा पुलिस थाने को यहाँ से सस्पेंड किया जाए और पटवारी और तहसीलदार जो भी इस मंदिर माफी भूमि की जमीन का विवाद था उसको लेकर जो लापरवाही बरत रहे थे, तो उस मामले में पटवारी और तहसीलदार को भी यहाँ से हटाया जाए। तो इस मांग को लेकर यहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ काफ़ी भाजपा पदाधिकारी और ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ये मांग है कि मौके पर कलेक्टर, SP यहाँ आए, उनसे वार्ता करें और इनकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करें। जी खुशबू, बिल्कुल रवि, तस्वीरें हमारे सामने आ रही है और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रवि, एक बात ये भी है कि जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, परिजन के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद है, गुस्सा काफी ज्यादा है और 50 लाख रुपए की बात हो रही है मुआवजे की, सरकारी नौकरी की, साथ ही अन्य मांगों के साथ वहां पर बैठे हुए। एक बात ये भी बताइए रवि, इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से 3 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई है, वहां पर पहुंचेगी, सरकार का क्या टेक है अब तक, क्या पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है स्थिति को काबू में करने के लिए? जी, सरकार की तरफ से
स्थिति को काबू करने के लिए यहाँ पर मौके पे उप पुलिस अधीक्षक महावीर मीणा के साथ स्थानीय प्रशासन मौजूद है, लेकिन राज्य सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ तक आकर नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में ज्यादा आक्रोश बना हुआ है। और ग्रामीणों की और भाजपा पदाधिकारियों की मांग है कि राज्य सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इस आरोपियों को गिरफ्तार करे और मुआवजा दे, उसके बाद ही मृतक पुजारी की अंत्येष्टि की जाएगी। तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी खुशबू, बिल्कुल रवि, धरना जारी रहेगा क्योंकि इस पूरे मामले के बाद सवाल देखिए रवि कई सारे उठे हैं कानून व्यवस्था पर, नियम कानून पर, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति को इस तरह से जिंदा जला देना कई सवाल खड़े करता है। और हालांकि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता जरूर दिखी है, उन्होंने कहा है कि मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो भूमिका है वो किसकी संदेहास्पद नजर आ रही है अब तक? प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा जी। इसमें भूमिका देखी जाए तो मूलतः पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पुलिस द्वारा दो दिन बाद मुकदमा दर्ज किया गया और एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।